वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे बहुत ही यमी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और आगे भी ऐसी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद शाहीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए बहुत ही हेल्दी एंड यमी ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर में हम 2 दर्द केले ऐड करेंगे, 2 दर्द अंडे ऐड करेंगे। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है और बहुत ही झटपट बनने वाला है। 1/2 कप हम चीनी ऐड करेंगे, 1/2 कप फ्रेश मिल्क ऐड करेंगे। शुगर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे, जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से हम अपने मिक्सचर को ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से आपने फाइन ब्लेंड कर लेना है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को ज्वाइन किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है। दूसरी तरफ हम बाउल के अंदर 1.5 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था, मेजरमेंट के लिए मैंने 1 कप रखा हुआ है। इसी से मेजरमेंट कर लें, घर में भी आप 1 कप सेट कर लें जिससे मेजरमेंट के लिए यूज़ करें। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर ऐड करेंगे। देखिए कितना स्मूथ बना है। सारा मिक्सचर आपने ऐड कर देना है और अच्छे से विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। देखिए कितना स्मूथ मिक्सचर बना है हमारा। अच्छे से आपने मिक्स करते जाना है। अच्छे से मिक्स कर लिया, देखिए कितना स्मूथ मिक्सचर हमारा रेडी है। ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा थिक है, सेम इसी तरह आपका बनना चाहिए। बनाने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम ऐड करते जाएंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, जैसे दम वाली आँच होती है। 2 से 3 मिनट के लिए हम रखेंगे, सेक लेंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ टर्न करेंगे जैसे एक तरफ से सिक जाए। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है बनाना पैनकेक। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। आपने पैन को ग्रीस नहीं करना, अगर आप ग्रीस करेंगे तो अच्छा लुक नहीं आएगा। आप तवे पे भी बना सकते हैं। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ऐड करते जाए, जिस साइज़ में आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ में मिक्सचर ऐड करें। मिक्सचर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर आपने कवर कर देना है। जैसे ही ऊपर हल्के हल्के बबल आना शुरू हो जाए, समझ लें कि आपका पैनकेक पक चुका है। एक साइड से 1 से 2 मिनट के लिए हमने कवर कर दिया था। ये देखिए ऊपर बबल आना शुरू हो गए। आँच आपने बहुत स्लो रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो आपके बनाना पैनकेक जल जाएंगे, अच्छा लुक नहीं आएगा। इसी तरह बाकी तमाम पैनकेक हम तैयार कर लेंगे। मॉर्निंग में बनाएं, इवनिंग में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। और बच्चों के लिए तो फुल ऑफ प्रोटीन रेसिपी है, स्पेशली बनाना भी वो इस तरह जो बच्चे बनाना शौक से नहीं खाते। इस तरह चूँकि हमने इस रेसिपी में बनाना यूज़ किए हैं, अंडे भी ऐड किए हैं। अंडे आपको पता फुल ऑफ प्रोटीन है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनाना पैनकेक तैयार है हमारे। बाकी जो मिक्सचर बच गया है
के भी सेम इसी तरह हम बनाना पैनकेक बनाएंगे। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी बनाना पैनकेक तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।